बढ़ते हैं। आगे राष्ट्रपति ने भगवान बद्री विशाल के आज दर्शन किए। बद्रीनाथ ने अखंड ज्योति के भी दर्शन किए। बद्रीनाथ धाम में प्रणबदा ने विधि विधान के साथ पूजा की। करीब डेढ़ घंटे तक भगवान बद्री विशाल के दर पर रुके राष्ट्रपति, और जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से थोड़ी देर में जॉलीग्रांट एयरपोर्ट के लिए रवाना होने वाले हैं राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए, अखंड ज्योति के दर्शन किए, पूजा अर्चना की। लगभग डेढ़ घंटे का समय रहा वहां ठहरने का, रुकने का, पूजा अर्चना करने का, और 11:10 का समय बताया जा रहा है जब रवानगी हो जाएगी जॉलीग्रांट एयरपोर्ट के लिए। और आपको यह भी बताते चलें कि आज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4:15 पर बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल गए। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ भगवान बद्रीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुले गए। आगामी 6 महीने तक भक्त भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर सकेंगे। बद्रीनाथ मंदिर परिसर में सुबह से ही श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा हुआ है। भारी ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं में उत्साह नजर आ रहा है। शीतकाल के बाद अब भगवान बद्री विशाल के जो कपाट हैं वो ब्रह्म मुहूर्त में खुल चुके हैं, और अब से 6 माह तक तो यहाँ पे भगवान बद्री विशाल में देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को भगवान विष्णु के दर्शन हो पाएंगे। आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से जो श्रद्धालु हैं वो पूरी तरह से रात भर यहाँ पे जागे रहे और इस पल का इंतजार करते रहे, जो 6 माह से भगवान बद्री विशाल के दर्शनों के लिए श्रद्धालु इंतजार करते हैं कि कब वो क्षण आएगा जब भगवान बद्री विशाल के कपाट मिले और दिव्य ज्योति के दर्शन कर पाएंगे। सुरेंद्र रावत, समाचार प्लस, बद्रीनाथ। और बद्रीनाथ धाम में ठंड बहुत है, लेकिन बावजूद इसके श्रद्धालुओं की जो आस्था है वो अपने शबाब पर है और किसी भी तरीके से अपने आराध्य के दर्शन करना चाहते हैं श्रद्धालु। रात से ही ताता लगना शुरू हो गया था, थोड़ी देर के लिए अभी रोका गया आम लोगों को दर्शन के लिए, यानी 1.5 घंटे का इस समय, उसके बाद फिर से दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु। तो आज सुबह 4:15 पर ब्रह्म मुहूर्त में कपाट खोल दिए गए और सभी भक्तजन दर्शन के लिए रात से ही कतारबद्ध हो गए। राष्ट्रपति भी पहुंचे हैं, 2 दिवसीय दौरा है उत्तराखंड का, और दूसरे दिन बद्रीधाम पहुंचे।